नमस्कार दोस्तों, मैं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा चौथा बजट पेश किया गया। आइए जानते हैं इस बजट में उन्होंने कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं। हालांकि उन्होंने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसके कारण मध्यम वर्ग को झटका लगा है। वहीं कॉरपोरेट जगत को राहत देते हुए 2 साल तक RTI की गड़बड़ी का सुधार करने का समय दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में छूट दी गई है। कॉरपोरेट सरचार्ज को घटाकर 12% से 7% किया गया है। किसानों की MSP का भुगतान सीधा किसानों के खाते में होगा। ऑर्गेनिक खेती के लिए गंगा किनारे की 5 किलोमीटर की जमीन का उपयोग होगा। राज्यों की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के सिलेबस को बदला जाएगा। 16 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे। MSME को 8,000 करोड़ रुपया दिया गया है। यह अगले 5 वर्षों में किया जाएगा। 400 न्यू जनरेशन वंदे मातरम ट्रेन चलाई जाएंगी। अगले 3 साल में 100 PM गति व्यक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 8 नई रोपवे का निर्माण होगा। 2022-23 में PM आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ का फंड जारी किया गया है। नागरिकों की सुविधा के लिए ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। ई वाहन चलाने वालों के लिए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। 2022-23 में RBI डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी से कमाई करने वालों पर 30% टैक्स लगेगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। वहीं 1 क्लास 1 TV चैनल को बढ़ाकर 200 TV चैनल तक किया जाएगा। 2022-23 में नेशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रोड्स को PPP मोड पर लाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट का लक्ष्य अगले 25 वर्षों को गति देना है। Thank you.